5 माइनस टी वन इक्वल टू 2a, फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत है? मतलब 8 केजी पे लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं, कॉस डायग्राम में दिखाना है। ये रही बॉडी, आगे धागे जुड़ी है टी वन देगा, पीछे धागे जुड़ी है टी टू मिलेगा, इसके अलावा हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स? कुछ लोगों ने यार 75 दिखा दिया है, भैया यार कहाँ, उससे क्या मतलब, इसको क्या पता कि दुनिया में क्या क्या है, इसको अपने से मतलब ना यार। तो इस बॉडी की इक्वेशन क्या बनेगी 8 केजी की? यार टी वन आगे टू पीछे, टी वन माइनस टी टू इक्वल टू क्या 8 है, सेकेंड इक्वेशन। कितने लोगों ने बना ली थी यार? फिर बताया यार 15 केजी पे लगने वाले फोर्स, हाँ टी टू आगे पीछे जीरो, इक्वेशन बनेगी टी टू माइनस जीरो इक्वल टू 15 है। बस यार अब तीनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 75 इक्वल टू 25 ए आएगा, ए इक्वल टू आ गया यार। और एक बार ए आ गया तो यहां पुट कर दो टी वन आ जाएगा, यहां पुट कर दो और यहां पुट कर दो तो टी वन आ जाएगा। कितने लोगों ने पूरा क्वेश्चन सही किया है? कोई दिक्कत है? अभी भी किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, लेकिन ये दिक्कत आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर यहीं से दिक्कत है तो आगे यार बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। हाँ भाई कोई समस्या है? अच्छा यार इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स हम चाहते तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं पूरे सिस्टम को एक मान के। तुम देखा यार ये क्वेश्चन, पिछला वाला क्वेश्चन, इसमें 20 और 10 कितना केजी, 30 केजी, और इस पूरे सिस्टम को मैं एक मानता इंक्लूडिंग धागा। तो बताया इस पूरे सिस्टम में धागे ने कहां फोर्स लगाया? यार धागे ने पीछे भी लगाया, और क्या पता इस सिस्टम को एक मान ले तो धागे ने नेट में कोई फोर्स लगाया? कोई फोर्स नहीं लगाया यार, धागे का जीरो है। तो फिर किसने लगाया? 60 न्यूटन, 60 न्यूटन बोले तो जो 1 किलोग्राम को 60 के एक्सलेशन, तो बता यार 30 किलोग्राम को कितने से खींचेगी, तो एक्सलेशन कितना आया था? अरे पिछला क्वेश्चन देखो यार आया था। रही बात धागे की, तो बता यार इस धागे ने ही 10 केजी को खींचा है। कोई पूछे 10 केजी को किसने खींचा, तो ये टेंशन नहीं तो खींचा यार, 10 केजी की बॉडी किस एक्सलेशन से चलेगी यार? 10 केजी की बॉडी भी 2 से चलेगी। अब मैं 10 केजी की बॉडी को 2 से चला रहा हूं, m10 और एक्सेलरेशन 2, तो बताओ उसको कितना फोर्स चाहिए, m into a 20, तो टेंशन कितना होगा यार? ये डायरेक्ट तरीका था बिना एपीडी बनाए पिछले क्वेश्चन का, नहीं सोच सकते यार। यार ये ऑब्जेक्टिव करना तब ये अप्रोच लगाना, और भी चूंकि यार हमें और आगे तक जाना है इसलिए एपीडी बना रहे हैं बड़े क्वेश्चन के लिए, तो ऑब्जेक्टिव करते समय यही तरीका लगेगा यार। नेट 460, मास 30, तो एक्सेलरेशन 2, है ना? 10 की बॉडी 2 से चल रही है, तो टेंशन कितना होगा 10 into 2 यानी 20 न्यूटन। क्या यही मेथड यहाँ भी तो लगा सकते हैं? बता यार कि पूरे सिस्टम में टेंशन ने कितना फोर्स दिया, मैं कहूँगा इसको पीछे इसको आगे इसको पीछे इसको आगे, नेट कितना? यार अगर सिस्टम की बात करें तो टेंशन ने कोई फोर्स नहीं दिया है, नहीं तो किसने दिया है? किसने दिया है? और मास कितना है यार? टोटल मास देखो यार 15 8 2 25, तो 75 न्यूटन का मतलब 1 केजी को 75 का एक्सेलरेशन, तो 25 केजी को 3 का एक्सेलरेशन आया यार, 3 आया कि नहीं? रही बात T2 की, तो बता यार अगर पूरा सिस्टम 3 से जाएगा तो पीछे वाला तो भी 3 से जाएगा, 15 केजी की बॉडी 3 के एक्सेलरेशन से चलेगी इसी के दम पे ना यार, तो यार टेंशन कितना होगा 15 की बॉडी 3 का एक्सेलरेशन, तो m into a 45 आया कि नहीं यार T2, है ना? अच्छा बता यार ये धागा ना होता, अगर ये धागा ना होता तो ये ब्लॉक और ये ब्लॉक
दोनों ना चलते यार, ये धागा था तभी तो इसमें टेंशन आया, तभी ये पूरा सिस्टम चला। तो T1 की जिम्मेदारी ना केवल इसको बल्कि पूरे सिस्टम को खींचने की है। अगर मैं इस सिस्टम को डब्बे के अंदर बंद करूं तो T2 ने नेट में कुछ नहीं दिया, T1 ने दिया है। 15 और 8 23 kg का सिस्टम जिसको एक्सलेट कराया है T1 ने, कितने से 3 से, 23 kg का सिस्टम, 3 का एक्सलेशन, तो टेंशन कितना होगा, 23 × 3 यानी कितना। बात समझ में आ रही है। ऑब्जेक्टिव करते समय यार यही प्रोसेस हमें लगाना है, जिसके लिए हमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें अभी भविष्य में और भी बहुत कुछ पढ़ना है, उसका ये सूत्रधार है फ्री बॉडी डायग्राम। हटा दें, बदल देती है किसी धागे के अंदर। चले तो चले लेकिन पुली ना घूमे, इतनी आइडियल। और ये रियल पुली है ना, धागे घूमे तो पुली भी घूमे। घिरनी हिंदी में क्या बोलते हैं, घिरनी। यार ये आइडियल पुली है, इतनी स्मूथ कि धागा खिसक जाए को पता तक ना चले। और ये प्रैक्टिकल पुली है, एक्चुअल में ऐसा होता है। कुएं में देखा है पानी भरने के लिए, तो कुएं में यार जब भी पानी भरना होता है तो लोग पुली का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए यार बाल्टी भर के कोई आदमी पानी खींच रहा है और ऐसे खड़ा है, ऐसे नहीं खींच रहा है, तो यार ये धागे को फोर्स कहाँ लगा रहा है, ऊपर, और धागा कहाँ लगा रहा है। किसी दिन बाल्टी फंस गई नीचे, धागे ने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो क्या होगा यार, तो हमेशा के लिए नीचे आ जाएगा और अंदर घी भर के पानी पिएगा, फिर पानी की जरूरत खत्म हो जाएगी। तो इसी पर्पज के लिए कि यार आदमी को फोर्स की दिशा बदलना है, वो बेसिकली नीचे की तरफ नहीं, नीचे धागा उसको नीचे फोर्स लगाए ये बर्दाश्त नहीं है, धागा उसको ऊपर फोर्स लगाए ये चलेगा, उसमें खतरा नहीं है यार। तो उसके लिए यार पुली लगाई जाती है, आदमी धागे को नीचे खींचता है तो धागा आदमी को ऊपर खींचता है। अभी ऊपर उठ भी गया तो धागा छोड़ देगा, नीचे आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नीचे चला तो फिर दिक्कत है यार। तो बेसिकली यार ये धागा के मॉलिक्यूल एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं, तो ये आदमी एक मॉलिक्यूल का हाथ पकड़ के खींच लेता है तो नीचे का एक मॉलिक्यूल आखिरी मॉलिक्यूल बाल्टी का पकड़ के खींच लेता है, यानी यहाँ से लेके वहां तक मॉलिक्यूल एक एजेंट के तौर पे एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े हैं। आदमी ने मॉलिक्यूल का एक हाथ पकड़ा, दूसरे मॉलिक्यूल के दूसरे